दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क में जो आप लोग माइनिंग करके यहाँ पे टोकन अर्न करते हैं पाई टोकन। बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनिंग कर लिए होते हैं लेकिन अभी बात करें कि भाई यहाँ पे जो टोकन अर्न करते हैं वो टोकन पाई वॉलेट में कब आता है, जैसा कि मिनट वाला जो बैलेंस होता है यहाँ पे कब आता है। अब जब यहाँ पे अगर मिनट पे बैलेंस आ गया तो ये बैलेंस अवेलेबल में कब आता है, क्योंकि भाई जब तक आपके पास में अवेलेबल में नहीं रहेगा तब तक उसे आप किसी को सेंड नहीं कर सकते ना ही उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल में आएगा तभी उसे आप सेल कर सकते हैं या फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो निकाल सकते हैं, और वो भी आपका मेननेट पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टेस्टनेट वाला, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्टनेट का भी ऑप्शन होता है। काफ़ी लोग यहाँ पे टेस्टनेट वाला मुझे मैसेज करते हैं भाई मेरे पास इतना 100 पाई है, तो ये वाला नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवेलेबल में आता है उसके लिए क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है और माइग्रेशन वगैरह हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें वो आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है कैसे होता है वो सभी चीज़ें। बस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ और भी KYC से लेकर के अकाउंट कैसे बनाएं माइनिंग कैसे करें सभी वीडियो मैंने बनाया है। काफ़ी लोग देखते हैं काफ़ी लोग नहीं देखते, जो लोग नहीं देखते फिर वही फंसे रहते हैं। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट होता है कि जो भी वीडियो आता है पूरा कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, तब कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्योंकि भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी कॉल पर क्लिक करके, और साथ ही एक और चैनल मिल जाएगा ऑनलाइन सपोर्ट, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगा जानकारी रहेगा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाने से संबंधित भी जानकारी दी जाती है, तो फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं क्या होता है कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं ये माइनिंग वाले पे। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास में इतना टोकन है लेकिन ये पूरा टोकन अभी के समय में वहाँ पे नहीं जाएगा। अभी इसका रीज़न क्या है कैसे वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लाइन का जो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन और यहाँ पे मिनट पे आते हैं। अब मिनट पे आने के बाद में यहाँ अब यहाँ पे पाई बैलेंस के हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक अनवेरीफाइड बैलेंस का, दूसरा यहाँ पे ट्रांसफर बैलेंस टू मिनट और तीसरा मिल जाएगा माइग्रेट टू मिनट। अब तीनों को आप ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अभी आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अनवेरीफाइड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड का यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो 1886 कुछ इस तरह पाई है। अभी ये अनवेरीफाइड क्यों है, इसका पूरा पूरा मतलब यही है कि जैसे कि मेरे रेफरल के थ्रू में जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं पाई नेटवर्क में वो लोग माइनिंग करके जितने भी अब टोकन वो लोग अर्न किए होंगे उसकी बात अलग है, लेकिन उनसे हमको जितना अर्निंग हुआ है पूरा पूरा टोकन इतना अर्निंग हुआ है जो कि अभी अनवेरीफाइड में है। अब अनवेरीफाइड में क्यों है कि उनका अकाउंट पे अभी KYC कंप्लीट नहीं हुआ है। जब उनके अकाउंट पे KYC कंप्लीट हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति से जितना जितना हमको पाई अर्न हुआ रहेगा वो पाई पूरा पूरा यहाँ से अनवेरीफाइड से हट जाएगा। ठीक है, अब पूरा पूरा जब हट जाएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे इस वाले में क्या बोलते हैं ट्रांसलेबल टू बैलेंस मैंने। ठीक है, जो भी मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रांसफरेबल हो जाएगा मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा मिनट के लिए। ठीक है, अभी यहाँ से जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा मिनट के लिए तो यहाँ पे माइग्रेट टू मिनट के लिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं मेरा जो माइग्रेशन के लिए कंप्लीट होना है वो 94 पॉइंट इस तरह करके इतना पूरा टोकन भेज दिया गया है, मतलब कि जितना भी हमारा टोकन है 94 पॉइंट ये टोकन है प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो ये वाला टोकन है ये टोकन मेरा पूरा पूरा वेरीफाइड है। बाकी और भी जो टोकन है जितना भी टोकन बचा है वो पूरा पूरा अनवेरीफाइड है, मतलब कि हमारे रेफरल के जितने भी लोग हैं भाई वो सभी लोग का KYC नहीं हुआ है, कुछ लोग का हुआ होगा कुछ लोग का नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। अभी आप ये सब कुछ समझ गए होंगे, अभी बात करते हैं भाई कि यहाँ पे जितने भी आपका टोकन यहाँ पे आता है, अभी यहाँ पे आता है तो ये टोकन अवेलेबल में कब आता है और कैसे आता है, अभी इसके लिए क्या करना होता है। ठीक है, जो भी देखिए आपका वेरीफाइड बैलेंस रहेगा वो मिनट पे आ जाता है, और मिनट पे कब आता है जैसे कि आप जो भी यहाँ पे अर्निंग किए होते हैं ना वो जितना भी अर्निंग हुआ रहेगा वेरीफाइड हो गया रहेगा 14 से 15 दिन के बाद में जितना भी बैलेंस होता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाता है यहाँ से 14 से 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद में जो भी बैलेंस होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा दिखाने लगा तब समझ लीजिए मतलब कि यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आ जाएगा भाई उसके बाद यहाँ पे अब अवेलेबल में लाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल देखिए आपको यहाँ पे एक माइग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी माइग्रेशन पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, अब जैसे माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक यहाँ पे नीचे डेट दिखेगा और यहाँ पे एक मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मूव का ऑप्शन क्यों दिखा रहा है, अभी जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपका जो भी माइग्रेशन हो चुका है अभी इसको आप मूव करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल में आ जाएगा। अभी आपको मैं करके भी दिखाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मूव पर क्लिक किया और यहाँ पे पूरा बता रहा है कितना अमाउंट है, लॉक अमाउंट मतलब कि कब हुआ था, मतलब कि कितने समय के ये पूरा अनलॉक हुआ ऐसा, और यहाँ पे बताया गया कि कंप्लीट करो आप यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो अवेलेबल में चला जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कंफर्म करा, अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ और आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है।
अभी जैसे मैं यहाँ पे डिसमिट कर देता हूँ, डिसमिट करने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा अवेलेबल बैलेंस में आ चुका है, और यहाँ पे जो भी बैलेंस भाई भी मूव मैंने किया था वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अभी अगर इस पर क्लिक करके देखें तो पूरा आपका हिस्ट्री भी दिखा देगा कि यहाँ पे कितना आपने मूव किया था, कितना वो सब कुछ यहाँ पे इस तरह करके दिखा जाएगा, कितना कितना कैसे किस टाइम पे हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। अब ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर अगर आप लोग माइग्रेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉक वाला अभी एक दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका पेंडिंग में कब आया, मतलब कि यहाँ पे मिनट पर कब आया, और इसके बाद में लॉक जो है वो इतने समय के लिए लॉक है, मतलब कि 20 तारीख 2 महीने 2023 को ये अनलॉक होगा। अब भाई इतने लंबे समय के लिए ये अनलॉक मतलब लॉक क्यों दिखा रहा है, इसका क्या रीजन है, वो भी आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी ये तो पूरा कंफर्म हो गया होगा कि कैसे आपका यहाँ पे अवेलेबल में आता है वो सब कुछ समझ गया, बस यहाँ पे यही बात होगा कि यहाँ पे आप लोग का लॉक दिखा रहा है, ये लॉक क्यों दिखा रहा है, और ये इसको हम लोग अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक कैसे करेंगे, अब इसका क्या प्रोसेस है। अभी आपको सिंपल पहले आना होगा समझने के लिए यहाँ पे पाई वाले पे। अभी पाई पे आएंगे तो यहाँ पे तिलन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद में यहाँ पे आपको जो पाई मिनट है इस पर आप लोग सिंपल क्लिक करेंगे। अब इस पर करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्फिगर और लॉक रेट, इस तरह कुछ लिखा रहेगा, सिंपल इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा, पहला तो यहाँ पे लॉकअप परसेंटेज और दूसरा है लॉकअप ड्यूरेशन। अभी इसको समझने से पहले आपको एक और बात मैं दिखाता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाओ। यहाँ पे आएंगे जैसे कि आप लोग साथ में हमें अभी जो माइग्रेशन दिखाया, जैसे कि अभी आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे जो मूव किया अभी यहाँ पे देख सकते कितना टोकन किया था 46 पॉइंट कुछ इस तरह करके, और पे माइग्रेशन पे अभी कितना फंसा हुआ है मतलब लॉक पे पड़ा हुआ है 27 पॉइंट इस तरह करके, ठीक है। अभी ये 50% के आसपास मतलब 50% हमारा लॉक हो चुका था, 50% अभी मतलब अनलॉक हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अभी इसका मतलब कि मात्रा क्या है क्या है वो अभी आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए जैसे कि मेरे पास में कितना था 98 या फिर 100 टोकन, मान लीजिए मेरे पास 100 टोकन था, इस तरह समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास 100 टोकन था जिसमें कि 50 टोकन अनलॉक हो गया है और 50 टोकन अभी लॉक में पड़ा है, ठीक है। 46 समझ मतलब कि वो था, लेकिन फिर भी आप 50-50 समझिए। अभी यहाँ पे बात यहाँ पे ये यह है कि आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, समझा होगा कि यहाँ पे बताया गया है जितना भी आप टोकन परसेंटेज के हिसाब से लॉक कर सकते हैं या फिर समय के हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जितना भी टोकन था माइग्रेट के लिए गया था तो उसमें से 50% जो टोकन है वो लॉक में रहेगा, ठीक है। 50% लॉक का मतलब कि भाई 50 जो टोकन है वो मेरा लॉक में है, ठीक है, जो कि 47 पॉइंट कुछ जो है टोकन वो लॉक में पड़े हैं, बाकी जो टोकन है वो यहाँ पे अनलॉक हो गया। अभी जो 50 टोकन जो लॉक में पड़े हैं वो कितने समय के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद में ये जो टोकन है वो अनलॉक हो जाएगा, फिर इसे हम जैसे चाहें वैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग गलती यहाँ पे ये किया है कि कुछ लोग 90%, कुछ लोग 100%, कुछ लोग 200% लॉक कर दिए हैं, और वो भी 1 साल के लिए, 3 साल के लिए भाई। तो भाई अगर आप लोगों ने 3 साल के लिए लॉक कर दिया है, अगर आपने 100% लॉक कर दिया है तो भाई आपका 3 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए 50% अगर आपने लॉक किया है या फिर 25% लॉक किया है 3 साल के लिए, तो जो भी उसका परसेंटेज रहेगा, जितना भी टोकन रहेगा उसका उतना लॉक रहेगा उतने समय के लिए, जो भी टोकन बचेगा वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया, आप शायद पूरा समझ गए होंगे यार, फिर भी अगर नहीं समझे तो वीडियो को पूरा एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा ठीक से समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने जो भी बताया वीडियो में पूरा कंप्लीट देखा होगा तो हर एक बात आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसके अलावा कोई आपके मन में अभी भी डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप लोग को ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो या फिर कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं यार एक नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। थैंक यू सो मच।